बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। विद अल्लाह में हम आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, शदीद गरज चमक के तूफान मजीद दाखिल। आज शाम रात तक बारिशें, यालाबारी आंधियां, एक और नया सिलसिला। सिर्फ 3 दिन का इंतज़ार, तो बड़ी अपडेट लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त मुल्क भर में तमाम कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन अभी भी सिलसिले की ज़ेरे असरात मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों पर मौजूद हैं। पेशंगोई के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें और यालाबारी देखने को मिली। शदीद मौसमी हालात भी देखने को मिली। अब यह सिलसिला बेशतर इलाकों से इख्तदाम पज़ीर हो चुका है। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब से यह सिलसिला इख्तदाम पज़ीर हो गया है। आज शाम रात तक बालाई पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। शुमाली इलाका जात में आज रात तक बारिश के इम्कान हैं। शाम रात से इन इलाकों से भी यह सिलसिला मुकम्मल तौर पर इख्तदाम पज़ीर हो जाएगा। अगले 3 से 4 रोज़ तक मुल्क में मौसम साफ रहेगा। चंद मकामात पर बारिश के इम्कानात बनते रहेंगे। बारिशों का अगला और ताकतवर नया सिलसिला 29 मार्च के दौरान दाखिल होगा, जिसके सबब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद मूसलाधार बारिशों, यालाबारी आंधियों के इम्कानात हैं। बारिशों का आने वाला सिलसिला भी तमाम ताकतवर साबित हो सकता है, यानी ज़बरदस्त बारिशों के इम्कानात हैं। बारिश की मकदार 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद बारिशों का नया सिलसिला 1 अप्रैल से मुल्क पर असरअंदाज होगा। ये सिलसिला भी मुल्क गिर बारिशों का सबब बन सकता है, जिसके सबब मज़ीद मूसलाधार बारिशों, यालाबारी आंधियां चल सकती हैं। अपडेट देते रहेंगे, शुक्रिया।